हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एक ऐसे आर्टिस्ट से जिनकी जो है ना मकबूलियत दुनिया भर में फैली हुई है, और वजह शोहरत यह है कि पिछले दिनों हमने देखा कि एक पिक्चर वायरल हुई है जिसमें एक आर्टिस्ट जो हैं ट्रक आर्ट, वैसे तो आपने ट्रक्स पे देखा है, गाड़ियों पे देखा है, स्कूटर्स पे देखा है, हमने तो जहाज़ों में भी देखा है। ऑस्ट्रेलिया में देयर वाज अ बस जिसके ऊपर ट्रक आर्ट किया हुआ था, लोग उसको इतना पसंद कर रहे थे, और मर्सिडीज का वो ट्रक था बाय द वे, मतलब हैंड कैरी सामान पे, बैग्स पे, घरों में कोस्टर्स में, सौ चीज़ों में ट्रक आर्ट जो है वो आ गया हुआ है। घरों के जो नाम नंबर प्लेट होती उस पर भी ट्रक आर्ट आ गया हुआ है, लेकिन एक चीज़ पे जो ट्रक आर्ट नहीं आया था डैट वॉज समथिंग जो आप आजकल ढूंढ रहे थे। पूछे थे ना हम के मधिया अच्छे व्हाइट लेग के स्नीकर्स कहाँ पे मिलेंगे, सो अब मुझे पता चला कि आप व्हाइट लेग के स्नीकर्स क्यों लेना चाह रहे थे। मुझे अब पता चला सत्या, अच्छा, कपड़ों पे नहीं आया वैसे अभी, या कपड़ों पे भी आ गया। सो नाउ आई नो कि सती तो वे अहेड ऑफ मी फैशन में, कि सती वाज लुकिंग फॉर व्हाइट स्नीकर्स ताकि उस पे ट्रक आर्ट करा सके, और ये जो ट्रक आर्ट जिनका मशहूर हुआ है आज वो हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। सती साहब क्या बात है जी, तो हम बात करेंगे, हमें ज्वाइन करें हैदर अली साहब, बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा कि ये ट्रक तो चले समझ आता है, मशहूरी उसी नाम से है ट्रक आर्ट, और पहले भी हम देखते थे ये जो बॉडी मेकर्स वगैरह होते थे बसों के ट्रक्स के, वो अलग ही उनकी शान शौकत नज़र आती थी, लेकिन ये फिर वैसे इधर उधर मुंतकिल करना और जूतों की तरफ इसको लेके आना, ये कैसे आइडिया आया कि जूतों पर भी होना चाहिए। लेकिन बचपन से हमारी जो मार्केट है गार्डन, वहीं से शुरू किया मैंने काम, और जो पहले जो प्रोफेसर जोनाथन मार्कनर थे विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, तो उन्होंने मुझे मधु किया, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा अमेरिका का म्यूजियम है, वहाँ पे मैं पूरा ट्रक लेके गया उनके साथ, तो वहीं मैंने पेंट किया, आधा यहाँ पेंट किया आधा वहाँ पेंट किया, वहाँ पे लोगों को दिखाया, और वहाँ पे जब जो एप्रिसिएशन मिली लोगों की तरफ से, कोई हमारे ट्रक को आठवां जुबा कह रहा है, कोई उड़न घटोला कह रहा है, कोई जादुई कालीन कह रहा है, क्या बात, तो मुख्तलिफ नामों से हमारे ट्रक को, और 25-26 ममालिक के अंदर फेस्ट और भी स्टॉल लगे हुए थे वहाँ पे, लेकिन हमारा ट्रक जो था वो लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा वहाँ पे। और वहाँ पे जब कोई आर्टिस्ट कोई अपना फन पारा बना रहा होता है तो वहाँ तो उसको देखने के लिए जब लोग सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ जमा हो जाते हैं, लोग उस टाइम के भी आपको पैसे पे कर रहे थे जब आप उनके सामने फन दिखा रहे होते हैं, तो बड़ा मजे का एक्सपीरियंस होगा। जी हाँ, तो फिर वहाँ से मुझे आइडिया आया कि पाकिस्तान में तो हो ही रहा है ये, और इंटरनेशनल भी इसको लेके जाया जाए, तो फिर मैंने मुख्तलिफ चीज़ों पर, यहाँ पाकिस्तान आया तो फिर मैं सोशल मीडिया के जरिए दुनिया भर में अपनी पोस्टें वगैरह फैलाता रहा, और दुनिया भर में ये चीज़ें। कहाँ कहाँ तक ट्रैवल किया आपने अभी तक? मैंने अमेरिका की पूरी तकरीबन 30 से 35 स्टेट में मैंने ये काम किया, मतलब 50 में से 30 से 35 हो लिया, और यूरोप में भी काफी मुल्कों में मुझे शौक है खाली ये करने का, और वहाँ पे भी मैं ज्यादा जर मुबादला इकट्ठा नहीं करता लोगों की, क्योंकि इसका हमारा जो यहाँ पे भी जो आप ट्रक देखते हैं वो हमारी पेंटिंग 24 घंटे और कराची से लेके कश्मीर तक हमारा ऑनलाइन एक समय लेके रोड पे एग्जीबिशन होती रहती है, तो वही चीज़ मैंने जी हाँ तो वही चीज़ मैंने अमेरिका में भी की। जरूरी नहीं कि म्यूजियम आपको कांटेक्ट करे, आप आम पब्लिक में भी, आम आवाम में भी आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल तो वही मैंने किया, और मैंने आम आवाम को जब अप्रोच की जो मेरे फेसबुक फ्रेंड थे उनसे मैंने कॉन्टेक्ट किया, तो उन्होंने बेखुशी अपनी गाड़ियों पर ये करवाना शुरू कर दिया, और आज मैं वहाँ पे ह्यूस्टन आर्ट कार क्लब का जो है, तो भाई ये आप ह्यूस्टन आर्ट क्लब किस वक्त मेंबर? आर्ट कार क्लब है उनके, उन्होंने मुझे इनवाइट किया हुआ है, और उनके लिए मैंने गाड़ी भी बनानी, और पूरे अमेरिका में वो क्लब की गाड़ियां घूमती है। अच्छा, ये मुझे बताएं जरा कि ये जो पाकिस्तान में ये ट्रक आर्ट एक अरसे से चल रहा है, और ये आप देखते होंगे ये चमकते दमकते ये जो ट्रक यहाँ पर जा रहे होते हैं, मुख्तलिफ बॉडी मेकर्स जो है वो अपने फन का मुजाहरा कर रहे होते हैं, तो उनकी जानिब से आपको नहीं कहा गया कि भाई ये हमारा फन से ट्रकों तक महदूद था, आपने गाड़ियों पे महदूद करके जूतों तक ले गए, ये क्यों कर रहे हैं, या कोई ऐसा? देखिए, हमारा ये होता है कि जैसे आप गार्डन में अपनी वर्कशॉप किसी जमाने में, तो जहाँ से हम लोग अपना नाम लिखते हैं गाड़ियों पे भी नंबर भी जी बिल्कुल, तो पूरे पाकिस्तान से हमें कॉल आती रहती है कि हमारा ट्रक बना, आपने ये ट्रक बड़ा अच्छा बनाया, और वहीं से हमें फ़ोन आते रहते हैं, और हम वहीं जाके वो सिग्नेचर नीचे हुआ करते हैं। जी हाँ, तो काम ही आपका खूबसूरती जो होती है काम की, वही लोगों को बताती है कि किसने किया हुआ और कहाँ से ये ट्रक आया हुआ, वही फिर हमें इन्वाइट करते रहते हैं, पूरे पाकिस्तान में काम करते रहते हैं। हैदर भाई, सबसे ज़्यादा किस चीज़ की मांग है अब? तो खैर, क्योंकि मैंने वाकई स्निकर्स पे देखा ट्रक आर्ट, तो मैंने कहा सब भूल जाओ, मुझे तो स्निकर्स चाहिए ऐसे ट्रक आर्ट वाले, तो सबसे ज़्यादा मांग किस चीज़ की है?
सबसे ज्यादा मांग आजकल तो स्नीकर से चल रहे हैं, ठीक है ना। और बाकी ये है कि अपने घरों पे भी लोग करवा रहे होते हैं, अपनी दीवारें भी करवा रहे होते हैं, दीवार दरवाजे वगैरह इस तरह की चीजें भी लोग करवा रहे होते हैं। ज्यादातर कैनवस भी चल रहे होते हैं आजकल, कैनवस पे भी आर्ट करते रहते हैं। और ज्यादातर ये होता है कि जैसे लोग अपनी जो खुशी के मुताबिक शेर व शायरी भी मुख्तलिफ किस्म की करवाते रहते हैं। आपका पसंदीदा शेर कौन सा, बाय द वे ये तो बताएं इधर भाई। मेरा शेर ज्यादातर ये खूबसूरत जो पसंद है, एक शख्स शबाब में था पूरा शहर अजाब में था, लाशों के लग गए थे ढेर अभी तो वो नकाब में था। ओए होए होए, बड़ी कोई डूबते वक्त पर बड़ी गहरी किस्म की शायरी जो आपने ट्रक कार्ड में लिख दी, वरना बहुत आसान होती है। ड्राइवर हजरत वगैरह पसंद करते हैं। बाकी सिंधी पे भी लिखते हैं, हलचल यारों सा कहड़ा लिखा, तो मुख्तलिफ रक्षों पे भी लिखते हैं, पंजाबी में तुम लग जा साडी खैर। जी हां जी, हम चले दुश्मन जले, जो हमसे जले वो साइड पे चले, तो वजन की परवाह नहीं डॉलर की तलाश है, इस तरह के शेर भी लिखते रहते हैं। मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं, इस तरह के भी शेर लिखते रहते हैं। ये प्यार मोहब्बत हमारे शेरों में और हमारे कल्चर में भी कूट कूट के भरा हुआ है। इसका मतलब है इस आर्ट के थ्रू हम एक मोहब्बत का पैगाम भी दे रहे हैं और कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का मैसेज भी बड़ी हल्के फुल्के अंदाज में, जैसे बड़ी हल्की फुल्की शायरी के फुल्के अंदाज में नहीं खैर कहेंगे इसको, क्योंकि हमारा जो पूरा जो ट्रक आर्टिस्ट पूरे जो हमारे हैं, ये एक अमन का पैगाम और मोहब्बत का प्यार का पैगाम एक अरसे से देते आ रहे हैं। लोगों को नजर जरा दुनिया जहान में अगर हम पाकिस्तान के पास कहते हैं जो कुछ डिफरेंट चीजें हैं उसमें से ट्रक आर्ट सबसे मुझे लगता है कि टॉप फाइव में आता है कि जो बाकी किसी के पास नहीं हमारे पास है। तो क्या हमारे पास क्या इसकी कोई ऐसी एकेडमीज या आप मजीद कोई आर्टिस्ट ट्रेन कर रहे हैं अपने घर में, किसी को ट्रेन कर रहे हो ताकि ये सिलसिला आगे चलता रहे? जी हाँ, मैंने जब दुनिया भर घूमा तो मुझे ख्याल है इस बात का कि इसके लिए कोई इदारा पाकिस्तान में तो कायम नहीं है, ना कहीं इसको पढ़ाया जाता बाकायदा तौर पे। तो मैंने अपने घर के थर्ड फ्लोर पे अपने स्टूडियो के अंदर ही ट्रक आर्ट अकेडमी बना ली, इंटरनेशनल ट्रक आर्ट अकेडमी। और मेरे साथ लाइनअप थे काफ़ी इंटरनेशनल स्टूडेंट भी लाइनअप थे, जो कोरोना की नज़र होगा, कोरोना की वजह से ना आ सके, लेकिन मेरा प्रोग्राम यही है कि इंशाल्लाह आइंदा आगे चंद सालों में इसको मैंने बड़े एक स्केल पे लिखा। अच्छा, वैसे एक इंसान कहीं पर भी जाता है तो उसको इंस्पिरेशंस मिलती हैं, ट्रैवल करता है। आप अमेरिका गए और आपने कहा कि 30 से ज्यादा रियासतों में आपको जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ से किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया जो आपने अपने इस आर्ट में इन्फ्यूज़ किया उसको? वहाँ बस ये था कि ट्रक आर्ट नज़र नहीं आ रहा था, नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो मैं यहाँ से अपने यहाँ से ट्रक आर्ट लेके वहाँ गया और वहाँ पे लोगों को इंस्पायर किया अपने आर्ट से। तो आज देख लें हम दुनिया भर में हमारे जो प्यार करेंगे, अमन करेंगे, मोहब्बत करेंगे, नजर आ रहे हैं आपके साथ। क्योंकि वहाँ के तो ट्रक भी देखे थे खूबसूरत होते हैं, मर्सिडीज़ के उनके ट्रक होते हैं, लेकिन पेंट नहीं हुए होते, वो पेंट नहीं होते, नॉर्मल टीडू डीडू ऐसी आवाज भी नहीं आ रही। और ये मैंने करके ये देखा, कभी आओ ना मानसेरा सुरमा लगा के, वाह वो क्या बात है, ये देखे ना खुशबू को देखे, हमारे पास वैरायटी बड़ी है। कश्मीर का शहजादा कराची की सड़कों पर इस तरह भी नजर आ रहा है, क्या बात है, क्या तो यही कलर यही रंग यहाँ से लेके दुनिया भर में जाके। अच्छा, मैं तो कोई नजर आता है ना कोई शेर इस तरह का या कुछ ऐसी, तो मैं तस्वीर ले लेता हूँ, कोशिश करता हूँ ताकि जमा होता रहे। फिर होता है कि ईद कार्ड पे लिखे अगला बंदों को भेज सके, डब्बे में डब्बा डब्बा लेके। ये तो खैर ये प्यार से करम पर तनख्वाह थोड़ी है, इस तरह के भी शेर। ये तो सही बात है, ये तो सूट भी करती है हमें, ये तो हमारे बहुत से शेर शायरी पे गाने भी बने हुए, जैसे पप्पू यार तंगना घर पे भी गाना बड़ा मशहूर आपने सुना होगा, बिल्कुल। ये जो आपने बताया भी रुलते गए, मैंने पप्पू यार तंगना का पहले ट्रक पे ही देखा था, फिर मैंने अली अज़मत का गाना सुना। अच्छा, क्विकली बता दीजिए कि अगर हम आपको हम इंस्टाग्राम के थ्रू फॉलो कर सकते हैं ट्रक अंडरस्कोर आर्टिस्ट, उसके बाद अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, ज्यादा महंगे तो नहीं ना, अभी बता दें अभी से। जी हाँ, ज्यादा महंगे नहीं है, और अगर आप ज्यादा सर्च कर नहीं मिल रहा कहीं भी मैं तो गूगल पे लिख लें वर्ल्ड फेमस ट्रक आर्टिस्ट हैदर अली, तो आपके सामने हैदर अली आ जाएगा। चेक करें भाई, चेक करें जी, गूगल पे लिख दीजिए अगर मैं आपको नहीं मिल रहा। आपको दो लोग नजर आ गए जिनमें बेहद कॉन्फिडेंस है, और ये लेकिन एटलीस्ट एक बंदे में टैलेंट मौजूद है। आप देखिए हैदर हैदर भाई के फजल करम से, मैं देखें ये मैंने दुर्गा पूजा इंडिया में भी मैंने उनकी दुर्गा पूजा को कन्वर्ट किया ट्रक आर्ट के अंदर, अपने रंग वहाँ पे बिखेरे, और 4000 दुर्गा पूजा में वो पहले नंबर में हमारी दुर्गा पूजा आई। ब्यूटीफुल। और इसके अलावा मैंने अमृतसर में भी, चंडीगढ़ में भी काम किया, दिल्ली में भी मैंने ये लोगों को जहाँ गए हैदर भाई पाकिस्तान का नाम रोशन किया और बताया कि पाकिस्तान के लोग, क्या बात है जी जनाब। नाम मिले ना आपको सिर्फ गूगल पे लिखिए, आ जाएंगे हैदर भाई। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, नाम तो सुना होगा।